सो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स पे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपके पास जर्मन शेफर्ड है, डॉबरमैन है, तो उनके कान है वो प्रॉपर तरीके से खड़े क्यों नहीं होते। कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे पपी होते तो भी अच्छे खासे उनके खड़े होते, फिर अचानक गिर जाते। और कोई कोई कंडीशन में मुझे ऐसे सारे बहुत सारे कमेंट आते कि सर हमारे डॉग का एक कान जो है डाउन चला जाता है, नीचे चला जाता है, और एक कान अच्छे से प्रॉपर तरीके से खड़ा है, और कभी कभार थोड़े दिन बाद वो भी नीचे हो जाता है। तो ये इस तरह से ऐसा क्यों होता है? और प्रॉपर तरीके से जो जर्मन शेफर्ड होते हैं उनके कान अगर खड़े हैं तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं वो डॉग ब्रीड, चाहे डॉबरमैन हो या जर्मन शेफर्ड हो। जिन डॉग ब्रीड के भी जो कान हैं खड़े होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अच्छे दिखते हैं। वही वही कुछ डॉग ऐसे डॉग ब्रीड है जिनके कान का नीचे होते हैं, जैसे कि आप बोलोगे जैसे लैब्राडोर को आप देखोगे, रॉटवाइलर डॉग ब्रीड को देखोगे, तो इनके कान ज़्यादा आपको खड़े देखने को नहीं मिलेंगे, ये डाउन होते हैं। बस अगर कुछ ऐसा मूवमेंट आता है जैसे कि उनको कुछ अट्रैक्टिव करता है या फिर वो खेलने के मूड में हो तो कभी कभार वो उनके कान जो है खड़े होने की पोजीशन में आपको देखने को मिलेंगे, पर प्रॉपर तरीके से जो खड़े होते वो नहीं होते। तो उनका तो चलो चले समझे, बट जो डॉबरमैन होता है, जो जर्मन शेफर्ड होता है, जो बाकी डॉग है जिनके कान खड़े नहीं होते, तो वो वीडियो आज की इस उनके लिए है। तो मैं उनको आपको कुछ बताने वाला हूँ जिसके कारण उनके कान आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से घर पर भी जो है अच्छे से कर सकते हो खड़े। तो मेरी बनाई वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा, और जितना हो सके उतना लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके डॉग के कान किस तरह से है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि कोई भी एक रीज़न आपके डॉग के लिए ऊपर वैलिड नहीं हो सकता, यानी कोई एक रीज़न पक्का मैं बता नहीं सकता कि उसके कारण ही यह सब कुछ हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो रीज़न है वो है कि जब भी आप प्रॉपर तरीके से डॉग को लेके आते हो तो उसका जो मदर फादर होते हैं उनको आपको ज़रूर से देखना पड़ेगा मीटिंग के टाइम पे। अगर कोई भी डॉग ब्रीड क्रॉस ब्रीड है या फिर मिक्स डॉग ब्रीड है तो उनके डीएनए में प्रॉपर तरीके से वो ओरिजिनलिटी नहीं होती, जिसके कारण आपके डॉग के कान जो है खड़े नहीं होंगे। और उसमें क्या होता है कि फिर आप कितने भी ट्रीटमेंट कर लो, प्रॉपर तरीके से सब कुछ ध्यान भी दो, तो कभी कभार बाय चांस अगर आपका नसीब हो तो वो खड़े हो जाएंगे। बट अगर मिक्स डॉग ब्रीड है, सामने वाला जो डॉग ब्रीड है वो पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं है और आपकी फ़ीमेल ओरिजिनल है, तो उस तरह से उसको मिक्स्ड ब्रीडिंग बोल सकते हैं। उसके चलते फिर जो पपीज होंगे, बच्चे होंगे, उसके प्रॉपर तरीके से कान खड़े नहीं हो सकते। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि एक कान हमारा बैठ जाता है डॉग का, एक कान खड़ा हो जाता है, कभी कभार दोनों हो जाते हैं, कभी कभार दोनों नीचे बैठ जाते। तो ऐसा क्योंकि उसका जो 6 मंथ तक आपका जो पपी जो ग्रोथ करता है उसका जो ग्रोथ रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ग्रोथ आप बोल सकते हैं उसके धीरे धीरे उसके प्रॉपर बॉडी की और सबकी अच्छे से ग्रोथ होती है, तो उस एज में ऐसा होता है। और उस एज में ऐसा होता है क्योंकि उसके जो टीथ है वो आना चालू हो जाते हैं, दांत आना चालू हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कभी आपके घर में बच्चे अगर दांत आ रहे तो उसको वॉमिटिंग होगी, लूज मोशन होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होती है उसके टाइम पे, क्योंकि उसको उनको दर्द भी होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे जो है डॉग के ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि प्रॉपर तरीके से उसके दांत जब तक नहीं आते, कभी कभार उसको भी लूज मोशन होता है, कभी कभार उसको वॉमिटिंग वगैरह होता है, उसके चलते जो डॉग के कान है वो भी उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, और वो एक कान कभी कभार नीचे बैठ जाता है और कभी कभार अप हो जाता है। तो गाइस इसके लिए आप वेट कर सकते हैं 6 या 4 मंथ तक, तो आपके डॉग का अगर थोड़ा बहुत यानी आधे जो कान भी अगर अप हो रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से अप हो जाएंगे। अगर उसके अलावा भी आपके डॉग के कान प्रॉपर तरीके से नहीं खड़े हो रहे हैं 6 मंथ की एज से पहले ही आपको जो है सब कुछ ट्रीटमेंट करनी है, नहीं तो 6 मंथ के बाद क्या होता है अगर आप टेपिंग भी करवाओगे तो भी कुछ प्रॉपर तरीके से उसको फ़ायदा नहीं होगा। टेपिंग कब की जाती है? जब आपको ऐसा लगेगा कि आपके डॉग के अभी प्रॉपर तरीके से कान खड़े ही नहीं हो रहे तो एक टेपिंग आती है, जो कि आपके पास में वेट है डॉक्टर कोई भी होगा उनसे जाके आप जो है टेपिंग करवा सकते हैं आपके डॉग का। तो उससे क्या होगा कि वो प्रॉपर तरीके से उसको उनको रहने देंगे, प्रॉपर तरीके से अगर डॉग नहीं छेड़ता तो कुछ दिन बाद जो है वो टेपिंग निकालने के बाद आपके डॉग के कान अच्छे से खड़े हो जाएंगे। बट वो 6 या 7 मंथ तक काम करता है, उसके अगर ज़्यादा एज हो जाती है तो उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता टेपिंग, तो भी अगर आप अपने डॉक्टर की राय ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि इसके अलावा और भी ऐसा है कि और भी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपके डॉग के बॉडी के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है डिवॉर्मिंग। अगर डिवॉर्मिंग का शेड्यूल टाइम टू टाइम अगर होता है और आप नहीं कराते तो उसके चलते भी कभी कभार डॉग को ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कान खड़े नहीं होना, बॉडी ग्रोथ नहीं करना, कोट शाइन नहीं करना, ये सब सारी प्रॉब्लम जर्मन शेफर्ड या डॉबरमैन में हो सकती है। इसके अलावा आप और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि
जो ग्रोथ एज होती है डॉग की उस टाइम, और जब डॉग काफ़ी ज़्यादा एडल्ट या फिर आप बोल सकते हैं बुजुर्ग या बुढ़ा जैसा हो गया, उस एज उस साल में भी आपको जो है डॉग को कैल्शियम मल्टीविटामिन काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ सकती है। तो अगर आप जो है 1 ईयर तक अच्छे से उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मल्टीविटामिन देते हो तो आगे अगर नहीं दो तो भी डॉग आराम से एडजस्ट कर सकता है। बट ये 6 मंथ या 7 मंथ तक आपको प्रॉपर तरीके से उसको मल्टीविटामिन टैबलेट वगैरह देनी है। उससे क्या होगा कि जो कान अगर खड़े नहीं होते हैं, जो कान के लिए काफ़ी ज़्यादा मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, अगर वो प्रॉपर तरीके से मिलता है, सप्लीमेंट आपके डॉग को मिल रहा है, तो आपके डॉग के कान जो है धीरे धीरे करके अप हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम से हो जाएंगे आज दो के और कल डॉग के कान खड़े हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ा बहुत समय भी लगता है, टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है या 3 महीने भी लग सकते हैं। बट आपको 7 मंथ की एज में ये सब कुछ प्रॉपरली ट्रीटमेंट करानी है ताकि आपके आगे जाके आपके डॉग को कुछ प्रॉब्लम ना हो। और ऐसा भी नहीं कि हर जर्मन शेफर्ड के साथ ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको या फिर डॉबरमैन के साथ। कोई कोई डॉग के जो कान नहीं खड़े होते तो प्रॉपर तरीके से जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहती है उस हिसाब से अगर आप न्यूट्रिशन वाला खाना अच्छे से डाइट रखते हो, उनको हेल्दी रखते हो, तो अपने आप ही जो है उनके बाल जो है धीरे धीरे करके ग्रोथ भी करेंगे, आपके डॉग की बॉडी भी ग्रोथ करेगी और जो उनके कान हैं वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। बट गाइस बहुत सारे लोग जो है टेपिंग कराते हैं, तो आपको अगर टेपिंग कराना है तो आप घर पे बिल्कुल मत कीजिएगा। आप अपने डॉक्टर या वेट से पूछिएगा कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो आपको ज़रूर से सॉल्यूशन बताएंगे। और मेरी और एक वीडियो है डॉग के ऐसे कानों के ऊपर, तो आप वो भी ज़रूर से देखना, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ऊपर आए बटन में आपको वीडियो में लिंक दे दूँगा। सो गाइस आशा करता हूँ आप सबको मेरी बनाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। आपको कुछ ना कुछ जल्द जानने को ज़रूर से मिला होगा आज की इस वीडियो में। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरा सेकंड चैनल एटमिक्स व्लॉग उसको भी सब्सक्राइब करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट की जो है आप शॉप कर सकते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।